गुड़ी पाड़वा छे हार्दिक शुभेच्छा। नमस्ते, मैं एकता जैन और गुड़ी पाड़वा का शुभ दिन है और इसकी शुरुआत मैं कुछ अलग ढंग से कर रही हूँ। तो इस बार सबसे पहले करते हैं मेकअप और मनाते हैं गुड़ी पाड़वा का पर्व। ये पर्व हिंदू कैलेंडर के नव वर्ष का पहला दिन होता है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऐसे ही कई सारे पर्व हैं जो पूरे भारत में आज ही के दिन मनाए जाते हैं और आज ही के दिन चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रही है। तो बहुत सारी खुशियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में मनाया जाता है नवरे, बैसाखी, बैखोटी, उगाड़ी, विशु, पन संक्रति, सरहल, जारसुतल, पहला बैसाख और बहुत सारे नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। हम मना रहे हैं गुड़ी पाड़वा। फाइनल टचेस और ये बहुत एक सुंदर लोकेशन मुझे मिली थी नायगांव में, जो हाईवे के एकदम नज़दीक है। वहीं पर बहुत ही सुंदर लोकेशन मुझे मिली और वहां पर हमने किया मेरा फोटोशूट। हाईवे पे ही सत्या ड्रीम स्टूडियो है और जहाँ पर ये बहुत सुंदर लोकेशन है। पुरानी हवेलियों की तरह या पुराने अंग्रेज़ों के ज़मानों के कोर्ट की तरह ये लोकेशन है। बहुत ही सुंदर हमने गुड़ी सजाई थी। गुड़ी पाड़वा के दिन महिलाएं घर से बाहर गुड़ी को लगाती हैं, झंडा लगाती हैं, उसे खुशियां मनाती हैं, उसे खुशियों का प्रतीक माना जाता है और बहुत सारी मिठाइयाँ संगीत के साथ इसे परिवार के साथ मनाया जाता है। गुड़ी का भी बहुत सुंदर मतलब होता है जो मैंने आगे बताया हुआ है और खूबसूरत नववारी साड़ी में मैंने ये गेटअप लिया है, बहुत सुंदर नथ, चंद्र का टीका और बिंदी के साथ, साथ में गुड़ी और बहुत खूबसूरत फोटोशूट हुआ था मेरा। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लोकेशन और थोड़ा बहुत स्टाइल करते हुए मैंने फोटोशूट किया और अब एक थोड़े से गॉगल्स के साथ एक नए स्टाइल में, नए लुक में वापस एक फ़ोटोशूट। अलग अलग लोकेशन पे जाकर के हमने फ़ोटोशूट किया, बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ भी आए हैं जो जल्द आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी लोकेशन है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत डेप्थ भी मिल सकती है आपको और हाइट भी मिल सकती है। यहाँ ये फर्स्ट फ्लोर पर है लेकिन ऐसा लगता है कि सेकेंड फ्लोर पर है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, आपको यहाँ हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मिल सकती है, पुरानी टाइप की लोकेशन भी मिल सकती है। तो यहाँ जरूर आइए शूट करने के लिए। हाय, मैं एकता जैन और आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आए हैं नायगांव में। आप सोच रहे होंगे नायगांव इतना दूर, बट डोंट वरी, नायगांव में एक ड्रीम सिटी है। कौन सी सिटी है? सत्या ड्रीम स्टूडियो है। ये ड्रीम की तरह एक बहुत ही खूबसूरत सिटी बसी हुई है। विशाल जी और सोनिया जी यहाँ के ओनर हैं और इन दोनों की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा के बारे में ज्यादा तो लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, इसका एक पूरा एक मतलब होता है। जो गुड़ी होती है, जो साड़ी होती है, जो हार होता है, जो शक्कर होती है, डंडा होता है और नीचे जो इस पे पाटले पे बिठाते हैं, उन हर एक चीज का एक एक मीनिंग होता है। परत के परत आप ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले पाटला हो गया, वो आपका बेस हो गया, जो आपका खुद का बेस है वो। जो ये डंडा है वो आपका प्रोग्रेशन है जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो। ये जो साड़ी है ये रिचनेस और आपकी अमीरी, आपकी तरक्की की निशानी है। ये जो नीम के पत्ते लगाए जाते हैं उसका मतलब है आपके हेल्थ के बारे में सोचा जा रहा है और साथ में शक्कर भी दी गई है। जो शक्कर है वो आपको मिठास देने के लिए है और फूल है वो खुशबू देने के लिए। और ये इसे कहते हैं विजय पताका भी। नई शुरुआत होती है इससे, साल की नई शुरुआत होती है जो हमारे कलश से होती है। ये कलश रख लिया आप, हमारे साल की नई शुरुआत हो गई। इस तरह ये गुड़ी पाड़वा का पर्व हम मनाते हैं। ये सब तो मैंने सीखा हुआ है, क्या आपको पता था? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और मेरी तरफ से आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और देखते रहिए मेरा पेज एकू जैन 11।